बिहार के जहानाबाद जिले के मखदुमपुर प्रखंड स्थित धरावत गांव में लगभग 5,000 लोगों की आबादी है और इस गांव में मात्र 5 आंगनवाड़ी है, जिससे इस गांव की सारी महिलाएं अपने बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र नहीं भेज पा रही है। अगर वे आंगनवाड़ी केंद्र में अपने बच्चों को नामांकन करवाने जाती है तो उसे यह सेविका कहकर वापस भेज देती है कि हमारे यहाँ 40 बच्चों से ज़्यादा बच्चों के नामांकन नहीं होते, जिससे उसके बच्चे को संपूर्ण पोषाहार नहीं मिल पा रहा है। मैं आशा और ये मेरा समुदाय के महिलाएं। लेकिन केठ होत हो दूठो आंगनबाड़ी में पढ़े जात हो ना? जात हैं काहे अथी नाम लिखावे के ना लिखलथिन से घुरे गए तो दिक्कत का होल बा? दिक्कत का होलन की अब लेकिन गली कुछ घुली था थी ना नहीं तकलीफ है कि आंगनबाड़ी खोज रह लिए आप कि हम लेकिन के पढ़ा सकली आंगनबाड़ी ने लेवे ना कर रहत हूं वहां गेल तो कोची का गलत हूं कहा थी कि 40 गो के है तो 40 गो में पढ़ावे थी और लेकिन के उठवा था इधर टोला भर ने हथुन 40-50 गो लेकिन हां जे ना जात हूं पढ़े ना जात हूं पढ़े खेले कूदने रहा थी। जो महिला आती है आपको पास में नाम लिखाने तो आप नाम क्यों नहीं लिखती है? नाम आप 40 बच्चा के हमको ऊपर से थे है तो आंगनबाड़ी के अभाव के कारण से आज तक मेरे बच्चों का केंद्र पर नामांकन नहीं हुआ, इसलिए कि धरावत में संख्या ज़्यादा रहने के कारण बच्चों का केंद्र पर नाम नहीं लिखा जा रहा है। मैं चाहती हूं कि इस गांव में एक और भी आंगनबाड़ी होनी चाहिए। आप हमारी मदद प्रखंड बाल विकास पदाधिकारी के मोबाइल नंबर 9413001597 पर फ़ोन कर दबाव बनाए ताकि वे जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करें। मैं आशा प्रखंड मखदुमपुर जिला जहानाबाद इंडिया अनहट के लिए।